टेक्नोलॉजी परस्पेक्टिव कौन हो पारे ओडिशार कृषि रे परिवर्तन आनिबा पाए आपण समस्ते जानती और आपण को सामने तथ्य सहित तो सम्मान्य महापात्र जी रखे हैं कि आम को ग्रोथ जेतिके अच्छी ताकू डबल करिवा को हम डबल डिजिट ग्रोथ करिया को हम खाली डबल नुहे डबल डिजिट ग्रोथ करिया को हम ग्रोथ रे जो वोलाटिलिटी अच्छी ताकू रिड्यूस करिवा को हम चासी भाई मानकर जो आय अच्छी ताकू दुई गुणा तीन गुणा दस गुणा बढ़ेवा को हम मुझे तो बड़े दस गुणा कहूँ आपण मान आश्चर्य आपण होते कि भाव में चाषी भाई मानक आय को दस गुणा बढ़ई दे हम आम पाखे उदाहरण एवं अच्छी कि भाव में चाषी भाई भाई मानक भौणी मानक आय को दस गुणा बढ़ई दे हम आते टेक्नोलोजी योगदान कौन हो पारे वर्तमान दुनिया टेक्नोलोजी ड्रिवन दुनिया टेक्नोलोजी विशेष रूप में सम्मानीय प्रधानमंत्री जो आह्वान डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी डिसरप्टिव इनोवेशन जदि व्यवहार करा जाए ताहले आमे निश्चित भाव में कृषि क्षेत्र रे खाली नुहे सबु क्षेत्र रे ए देश रे जो वृद्धि अच्छी ग्रोथ रेट अच्छी ताकू आमे बढ़े दे पारिबा आ विशेष रूप रे कृषि क्षेत्र रे चासी भाई मानकर आय को बढ़े दे पारिबा केतटा उदाहरण देखि आपण मानक सामने समय संक्षिप्त सम्मान्य मंत्री महोदय जी को आम शुणा चाहिबा मार्गदर्शन नहीं आगे बढ़िया चाहिबा दुई तीन टा कथा कह कि समाप्त करी कि भाव आमे ओडिशार कृषि क्षेत्र रे वृद्धि पाई प्रयासरत विगत सात वर्ष भितरे भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद एवं कृषि विश्वविद्यालय समस्ते मिलित रूप से 264 नुआ भेराइटी ए प्रदेश को देचंती 264 नुआ भेराइटी ता भितरे 36 भेराइटी तैलबीज उत्पादन पाए 22 भेराइटी डाली जातीय फसल पाए एवं अन्यान्य फसल रे मध्य कहिबार तात्पर्य ये हला कि ये जो नुआ भेराइटी सब डेवलप करा जाए तहार उत्पादकता यथेष्ट अधिक पुराणा भेराइटी अपेक्षा उदाहरण देवी विगत वर्ष गोटे धानर नुआ भेराइटी रिलीज करा जाएछि सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट जोटा नेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट कटक तार ना हला सीआर धान 316 40 लोकेशन रे पूरा प्रदेश रे तार टेस्टिंग करा गला जो माने विभाग थे कृषि विभाग राज्य सरकार से जाथे एवं तार आवरेज 40 लोकेशन रो प्रोडक्टिविटी हला 6.9 टन्स पर हेक्टर सम्मानीय महापात्र साहब जब जिते कहते आमर चाउल उत्पादन से धान उत्पादन कौन थे चाउल उत्पादन 1.8 टन्स पर हेक्टर जातीय स्तर रे 2.5 टन्स पर हेक्टर किंतु 65% जदि आप कहे चाउल मिल धानू ते आप चिंता करूँ जदि 7 टन आमको आवरेज मिल उत्पादकता प्रति हेक्टर आम यथेष्ट आमर उत्पादन बढ़े दे पार उत्पादकता मध्यम तेणु ओडिशा जो पछरे अच्छी धान उत्पादन रे आम जदि यही वैरायटी को आउरी आग को बढ़ेबा तार ब्रीडरशिप इंडेंट करिबा एवं ब्रीडर सीड मुताबिक सर्टिफाइड सीड प्रोडक्शन करिबा चासी भाई के दबा तांकर उत्पादकता बढ़िबो निश्चित भाव में राज्य सरकार ये कथा जानती तांक माध्यम रे ही ये नुआ वैरायटी आसी गत वर्षर एवं ताकू विस्तारित रूप से जो भाव में चाषी भाई मान द्वारा आदृत हे ये देशर निश्चित उत्पादकता बढ़िबो गोटे उदाहरण देली सीआर धान 316 7 टन आमर आवरेज प्रोडक्टिविटी पैडीर हो जोटा एवं ना द्वितीय उदाहरण देवी जे आम कौ ए राज्य में बन्या बात्या मरुड़ी प्रभावित तो विभिन्न समय रे हो प्रत्येक वर्ष प्राय बन्या आसो तापर पर मरुड़ी आसव सीआर धान 801 802 जो थे मरुड़ी सहनशीलता अच्छी
कम पानी रे हेई पारिबो एवं वर्षा हेई बुडीगला परे मध्य हेई पारिबो दीटाक गुणता धरे रखा जाइछि तो से भली बिहन को आमे प्राधान्यता दबा आगु को बढ़ाइबा निश्चित भाव रे वोलाटिलिटी कम होबो आमे स्टेबिलिटी आनि दे पारिबा क्लाइमेट रेसिलिएंट वैरायटीज क्लाइमेट रेसिलिएंट वैरायटीज पीच गत सात वर्ष भितरे आमे पाखापाखी सम्माननीय मंत्रीजी यूनो मार्गदर्शन रे आमे पाखापाखी 1500-1600 नुआ वैरायटी देश को देचु आ ता देहरु 70% क्लाइमेट रेसिलिएंट वैरायटीज से देश तेणु आमे जदि प्रदेश ये सब जिनस जो डेवलपमेंट होउची यार डेवलपमेंटर जब निश्चित भाव में फायदा उठेब जदि उठेब तारे आमर प्रोडक्टिविटी बढ़ वोलाटिलिटी कम हम क्लाइमेट रेसिलिएंस हम ये गोटाए दिग नुआ वैरायटी नुआ टेक्नोलॉजी आमर यही प्रदेश में सिफा अच्छी सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फ्रेश वाटर एक्वाकल्चर सी गोटे नुआ वैरायटी देला माछरे जयंती रोहु 50-60% अधिका प्रोडक्टिविटी रोहुरे आमे जदि ताकू चासी भाई मान को पाखरे मंजी दे पहुंचे दे पारिबा मंजी उत्पादन जति दरकार सेति करि पारिबा मंजीर आवश्यकता जति अछि पूरा कर दे पारिबा ताले उत्पादकता 50% बढ़ी जीव माछ चास माछरे आमर कम रहउछ एमिति अनेक कथा कहा गला सबू प्रोडक्टिविटी नुआ सीड माध्यम रे आमे 25% मिनिमम उत्पादकता बढ़े दे पारिबा उत्पादकता माध्यम रे उत्पादन बढ़े दे पारिबा ये देश रे आमर दलहन फसल रे डाली जातीय फसल रे आमर आवश्यकता थिला वर्तमान आमे जो आमे आयात करथुलु जो इंपोर्ट करथुलु ताको आमे 55% आमे कमी दे पारिछु एही नुआ वैरायटी माध्यम रे जोठी नुआ वैरायटी आमर 80% ये देश रे नुआ वैरायटी पहुंच सारे पुराणा वैरायटी को रिप्लेस कर सारे ये गोटे उदाहरण केमिति नुआ वैरायटी माध्यम रे नुआ टेक्नोलॉजी माध्यम रे आमे उत्पादन बढ़े दे पारिबा खाली उत्पादन बढ़े हबो ना जमी कहगला वोलाटिलिटी कम करिया को हबो फार्मर्स इनकम बढ़ेबा को हबो फार्मर्स इनकम बढ़ेबा पई समेकित खेती पद्धति गोटे बहुत बड़ रास्ता एबे पोंड लक्ष लक्ष पोंड तैयारी करिवार व्यवस्था सरकार हाथ को नहीं चंती एमजी नरेगा चली माध्यम रे सरकार नहीं चंती से पोंड को केंद्रायित करी आमे जदि समेकित तो खेती पद्धति को अपनेबा तार व्यवस्था करिवा सबु डिपार्टमेंट को तांकर कार्यक्रम को केंद्रायित करी पोंड को केन्द्र करी तारी चारिपाखे समस्त जदि काम करिवे चासी भाईंकर आय दुगुणी कोन पांच गुणा बढ़ी जीव एबे जो आयर हिसाब जुगल किशोर महापात्र साहब आपनको सामने रखुथले 6-7 हजार मासुक नुहे लक्षे टंका होउनी आमे प्रति हेक्टर 5 लक्ष टंका चासिंकर आय कर दे पारिबा जदि समेकित तो खेती पद्धति को आमे विस्तारित रूप से चासी भाई मानक पाखरे पहुंचेबा व्यवस्था आरंभ होईची किंतु ताकु विस्तारित रूप से चासी भाई मानक पाखरे पहुंचेबार आवश्यकता रहीची सेमिति आम प्रदेश रे आमे 12टा नुआ ब्रीड पशु पक्षीर नुआ ब्रीड आमे आइडेंटिफाई करिछु आउरी 5टा नुआ ब्रीड आइडेंटिफिकेशन आगुक बढ़ुचंती से भी चिन्हित तो होइजिबे एवं सर्टिफिकेशन होइजिबो रजिस्ट्रेशन होइजिबो किंतु ताको चिन्हिबा तो गोटाए कथा किंतु ताको तार संरक्षण संवर्धन करिबा निहाती दरकार तार ब्रांडिंग करिबा निहाती दरकार ब्रांडिंग करी तापई मार्केट क्रिएट करिबा निहाती दरकार जदि आमे मार्केट सहित तो चासी भाई मानको जोड़ी न पारिबा ताहले आमको चासी को विशेष रूप तांकर आय को दुगुणा तीन गुणा करि पारिबा नाही तेणु तापई दरकार गुणवत्ता को चिन्हिबा आइडेंटिफाई करिबा एवं सेई गुणवत्ता हिसाब रे तार पैकेजिंग करिबा ब्रांडिंग करिबा एवं मार्केट सहित जोड़िबा ए दिगरे जेते आमे आगुको बढ़ेबा अग्रसर होबा चासी भाई मानको सेथिरु अधिकरु अधिक लाभ होबो निश्चित भावरे ऑर्गेनिक फार्मिंग विषय रे मैडम कहिबे ऑर्गेनिक फार्मिंग रो आवश्यकता रहिछि जैविक खेती रो आवश्यकता रहिछि एवं कोठी जैविक खेती कले को फसल रे कले ताकु आमे ब्रांडिंग पैकेजिंग मार्केटिंग करके अधिक लाभ आमे चासी भाई के देई पारिबा एटा को स्टडी करी या परे काम करिवार आवश्यकता रहिछि पानी कथा कोआ गला प्रबल वर्षा किंतु मरुड़ी सबु वर्ष आमे पॉन्ड खाली कले हबनी सरकारंकर केंद्र सरकारंकर आह्वान कैश द रेन व्हेन इट फॉल्स वेयर इट फॉल्स
ଯେଉଁଠି ବର୍ଷା ପାଣି ଯେଉଁଠି ପଡ଼ୁଛି ଯେତେବେଳେ ପଡ଼ୁଛି ତାକୁ ଧରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସଂରକ୍ଷଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ତା'ର ସହି ଇସ୍ତେମାଲ କରିବାକୁ ହେବ। କେମିତି କରାଯିବ? ସରକାରୀ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଯେତିକି ପ୍ରାବଧାନ ସବୁ ରଖାଯାଇଛି, ଏଗ୍ରି ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଫଣ୍ଡର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଆମେ ଯଦି ଯୁବବର୍ଗଙ୍କୁ ଏ ବିଷୟରେ କହିବା, ଆହ୍ୱାନ କରିବା ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ସପୋର୍ଟ କରିବା, ହ୍ୟାଣ୍ଡ ହୋଲ୍ଡିଂ କରିବା, ଆମର ଇନକ୍ୟୁବେସନ୍ ସେଣ୍ଟରରେ ଯେତିକି ଯୁବବର୍ଗ ଆସିବେ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ିବେ ସେତିକି ଫାଇଦା ତାଙ୍କୁ ହେବ। ମୁଁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଉଛି, ଆମର ଯେଉଁ 50 ଇନକ୍ୟୁବେସନ୍ ସେଣ୍ଟର ପୁରା ଦେଶରେ ରହିଛି ୟୁନୋ ଏଗ୍ରିକଲଚର ରିଲେଟେଡ୍, ଆମମାନେ 700ରୁ 800 ଆମେ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ କରିଛୁ ଏଗ୍ରିକଲଚରରେ, ସମ୍ମାନ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀଜୀଙ୍କର ଦିଶାନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ। ଏବଂ ସେଇ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ କଲଚରକୁ ଆହୁରି ବଢ଼ାବା ଦେବା ପାଇଁ ଏ ପ୍ରଦେଶରେ ବହୁତ ସୁଯୋଗ ରହିଛି। ଏବଂ ଯେତିକି ଆମର ଯୁବବର୍ଗ ଆଗକୁ ଆସିବେ, ଚାଷୀ ଭାଇମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଇନକମ୍ ଅଛି ତ ଡବଲ୍ ହେବଇ, ଏବଂ ପ୍ରଦେଶରେ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରୋଥ୍ ହାର ବଢ଼ିବ, ଭୋଲାଟାଇଲିଟି କମିବ, ରିସ୍କ ମିନିମାଇଜେସନ୍ ହେବ, ଏବଂ ତା ସହିତ ସହିତ ଆମମାନଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ଦେଶ ଯେଉଁ ତା'ର ଯେଉଁ ଡେଫିସିଏନ୍ସି ରହିଛି ସେଇଟା ବି ପୁରା ହେବ, ଏବଂ ଆମେ ସ୍ଥାୟୀ ଚିରନ୍ତନ କ୍ଷତି ଯେଉଁ ସଷ୍ଟେନେବୁଲ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଏଗ୍ରିକଲଚର ଆମେ କରିପାରିବା। ପାଣିର ଠିକ୍ ଇସ୍ତେମାଲ ହେବ, ମାଟିର ଠିକ୍ ଇସ୍ତେମାଲ ହେବ, ଏବଂ ଜୈବିକ କ୍ଷତି ହେବ, ଏବଂ କିଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ଚାଷକୁ ଆହୁରି ଉନ୍ନତିର ଦିଗରେ ନେଇଯାଇପାରିବା, ଏଭଳି ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆର୍ଗସ୍ ଟିଭି ତରଫରୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଶଂସନୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ଏବଂ ଏହିଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଯେତିକି ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ହେବ ଆମେ ସେତିକି ସଚେତନ ହେବା, ଯୁବବର୍ଗଙ୍କୁ ସେତିକି ସଚେତନ କରିଦେଇପାରିବା ଏବଂ ସରକାରକୁ ମଧ୍ୟ ସେତିକି ସଚେତନ କରିଦେଇପାରିବା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମର ଭାରତ ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ ସ୍କିମ୍ ଅଛି, ଯୋଜନା ଅଛି, ତା'ର ପୁରା ଫାଇଦା ଚାଷୀ ଭାଇମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିପାରିବ। ଏବଂ ଗଣମାଧ୍ୟମ ମାଧ୍ୟମରେ ଯେମିତି ଆର୍ଗସ୍ ଟିଭି କରିଚାଲିଛି, ଗଣମାଧ୍ୟମ ଜରିଆରେ ଯେତିକି ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ହେବ, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ସବୁ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ସୂଚନା ପହଞ୍ଚିବ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମର ଉନ୍ନତି ହେବ। ଆଉ ପରିଶେଷରେ ମୁଁ ଆର୍ଗସ୍ ଟିଭିକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୋତେ ଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ମିଳିଛି ଏବଂ ଦ୍ୱିପଦ କହିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ସୁଯୋଗ ମିଳିଛି ସେଥିପାଇଁ ବିଶେଷ ରୂପରେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ଆଉ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସଫଳତାପୂର୍ବକ ସମ୍ପନ୍ନ ହେବ ଏବଂ ଆମମାନେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପରେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ନୂଆ ଆଇଡ଼ିଆ ନେଇକରି ଆମେ ସରକାରଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା, କୃଷକଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା ଏବଂ ଯୁବବର୍ଗଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଫାଇଦା ଦେଇପାରିବା, ଏହି କାମନା କରି ମୁଁ ଏଇଠି ରହୁଛି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋର ଶୁଭେଚ୍ଛା, ଧନ୍ୟବାଦ, ଅଭିନନ୍ଦନ। ନମସ୍କାର। ଜୟ ହିନ୍ଦ୍, ଜୟ ଓଡ଼ିଶା।